नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली डिजिटल। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। गोलगप्पे जो कि आमतौर पर हर किसी के फेवरेट होते हैं, हर किसी को खाना पसंद होता है, चाहे वो बच्चे से लेकर बूढ़े तक हो या फिर नौजवान हो, हर कोई जब गोलगप्पे की बात आती है तो उनके मन में एक लालच आ ही जाता है और अपने आप को हम रोक नहीं पाते हैं गोलगप्पे खाने से। और फिर जब अलग अलग फ्लेवर के, अलग अलग पानी के टेस्ट के साथ गोलगप्पे मिलते हैं तो सोचिए कितना मज़ा आता होगा लोगों को। लेकिन गोलगप्पे से खतरनाक बीमारी भी हो सकती है। जी हाँ, एक ऐसी खबर आई सामने जिसने हर किसी को परेशान कर दिया है। वो खबर ये है कि गोलगप्पे से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल कर्नाटक में पानीपुरी खाने वालों के लिए एक डरावनी खबर सामने आई है। कर्नाटक में बिकने वाली पानीपुरी में कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी पैदा करने वाले केमिकल्स मिले हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI ने अपनी जांच में 260 जगहों से पानीपुरी के नमूने लिए थे। इनमें से 41 नमूनों में नकली रंग और कैंसर पैदा करने वाले तत्व मिले हैं। रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया है कि 18 नमूने तो इतने खराब थे कि उन्हें खाने लायक भी नहीं माना जा सकता। कर्नाटक के अलग अलग इलाकों से सड़क किनारे बिकने वाली पानीपुरी की क्वालिटी को लेकर कई शिकायतें मिली थी। इसके बाद खाने पीने की चीजों की सुरक्षा के लिए काम करने वाले विभाग ने ये जांच शुरू की थी। कमिश्नर श्रीनिवास के ने एक मीडिया रिपोर्ट में बताया कि हमने सड़क किनारे लगे ठेलों से लेकर बड़े बड़े रेस्टोरेंट तक से सैंपल जमा किए थे। इनमें बहुत से सैंपल बासी और खाने के लायक नहीं पाए गए। कर्नाटक में सामने आए सैंपलों में पाया गया कि पानीपुरी के सैंपल में ब्रिलियंट ब्लू, सनसेट येलो और टर्जेनिन जैसे केमिकल मिले हैं जो कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनते हैं। ये केमिकल कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर देते हैं। इससे पहले इसी साल कर्नाटक सरकार ने रोडामिन बी नाम के फूड कलर पर प्रतिबंध लगाया था। स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव ने कहा था कि अगर कोई भी दुकानदार खाने में ऐसे केमिकल का इस्तेमाल करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राव ने कहा था कि राज्य में खाद्य सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है और हम ये पता लगाने के लिए और भी चीज़ों की जांच करेंगे कि उनमें किस तरह के रंगों का इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने लोगों को ये भी चेतावनी दी थी कि वह इस बात का ध्यान रखे कि वह किस तरह का खाना खा रहे हैं और उसमें क्या क्या मिलाया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा था कि रेस्टोरेंट मालिकों को भी स्वच्छता बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होना चाहिए, ऐसा ना करने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो कर्नाटक की इस खबर से आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि गोलगप्पे कितने खतरनाक हो सकते हैं हमारे लिए। इस कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। ये हैरान करने वाली खबर है, लेकिन आप ध्यान रखें कि आप जहाँ से भी इस तरीके के स्ट्रीट फूड खा रहे हैं, आप ध्यान रखें कि वो आपकी हेल्थ पे कितना इफ़ेक्ट डालेंगे। इसलिए किसी भी चीज़ को इस तरीके से खाने से पहले आप जो सावधानी है वो ज़रूर बरतें। तो ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली डिजिटल। नमस्कार।